जरा हंस ले यार कि ये वीडियो नंबर 13 है। आज मैं आपको बताऊंगा कि लोग उंगली कैसे करते हैं। ऐसा होता है कि कुछ लोगों की आदत होती है, वो किसी भी मामले में बीच में टपक पड़ते हैं। कोई ना कोई बात होगी। अब मिसाल के तौर पे एक आदमी को खांसी हो गई, अब उसको बोलेंगे उसको खांसी हो गई यार, तू फलां सिरप पी ले, तू फलां दवाई खा ले यार, यार तू ऐसा कोई होम्योपैथी की ये ले ले, ये खा ले वो खा ले, और परेशान यार। कोई बोलेगा यार तू गले में ना बाम लगा ले, बाम बाम लगाने से भी तुझे आराम मिल जाएगा। अच्छा भाई, वो बोले आदमी तो सुन रहा होता है, वो खांस रहा होता है, मर रहा होता है। अब एक आदमी है, वो जा रहा है मतलब ऑफिस में आया है, उसकी लंगड़ा के आ रहा है, तो उसको चोट लग गई। तो मुझे क्या हुआ क्या हुआ, अब हर कोई मुझे क्या हुआ क्या हुआ, वो एक को बताएगा कि भाई मैं आ रहा था, बाइक स्लिप हो गई, बाइक से गिर गया। अरे अंधा है यार, तुझे नजर नहीं आया बाइक कोई? अरे भाई वो कीचड़ था, मुझे समझ नहीं आया तो बाइक स्लिप हो गई। अबे आंखें खोल के चला कर, तुझे नजर नहीं आता? अच्छा भाई गलती हो गई। एक तो उसको मुसीबत से गिरा है, उसको चोट लगी है, ऊपर से वो इसको मजीद इसको ये टॉर्चर दे रहे हैं। अब क्या हुआ, वो मजीद आगे बढ़ा, आगे और मशवरे मिल गए। तो लोगों को आदत है खामा खा के मामले में उंगली करना। अरे भाई आपको क्या ज़रूरत है कोई आदमी के मामले में उंगली? अब ये मामला आप देखें, आदमियों के साथ, मर्दों में के साथ, औरतों में भी ये बीमारी है। वो एक दूसरे की चुगलियाँ करेंगे, इसको भी उंगली करना कहते हैं, वो खामा खा के। अरे देख उसकी बहू ने यूँ कर दिया, उसकी सास ने यूँ कर दिया, उसके घर में ये मसला, उसके घर। अरे भाई आपको क्या ज़रूरत है इतने सारे मसाइल को लेकर चलने की, मगर लोगों को उंगली करने की आदत है। अब एक बस में एक आदमी अपनी पीठ पे उंगली से खुजा रहा था, तो बराबर वाला आदमी गुस्से से कह रहा, बोला भाई तुम मेरी पीठ को क्यों खुजा रहे? बोला भाई मैं तो अपनी पीठ को खुजा रहा। अरे नहीं भाई तुम मेरी पीठ को खुजा रहा। और बोला अच्छा, जब भी बोलो ना यार मैं तीन से खुजा रहा हूँ, मेरी खुजली ख़त्म नहीं हो रही। असले यार अगली वीडियो में हम उंगली के बारे में कुछ मजीद बातें करेंगे। असले यार।